नंबर वन, वन डंबल फ्रंट रेजेस, शोल्डर के सामने वाला हिस्सा यानी कि फ्रंट डेल्टॉइड मसल को टारगेट करने के लिए इसे आप अपनी रूटीन में जरूर ऐड करें। वीडियो में दिखाए मुताबिक दोनों हाथों से एक डंबल को अपने थाई के लेवल पर पकड़कर सीधे खड़े हो जाए और अपने हाथों को सीधा रखते हुए डंबल को अपने सामने शोल्डर लेवल तक ऊपर उठाए और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान आप मूवमेंट को कंट्रोल करें और अपने हाथों की एल्बो को हल्का सा बैंड करके रखें। सही वेट के डंबल का सिलेक्ट करते हुए इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 2, स्टैंडिंग डंबल अर्नोल्ड प्रेस। ये ऑलराउंड शोल्डर एक्सरसाइज है जिससे शोल्डर के सभी मसल एक साथ टारगेट होते हैं। आप इसे खड़े होकर या फिर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने की ओर दोनों हाथों में डंबल को पकड़ ले और फिर अपने हथेलियों को बाहर की ओर घुमाए, डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करे और फिर अपने हथेलियों को रिवर्स पोजिशन में घुमाते हुए डंबल को शोल्डर की हाइट तक नीचे लेकर आए। इसमें जब भी आप डंबल को ऊपर की ओर लाते है तो शोल्डर मसल को स्क्वीज जरूर करे और पूरे मोमेंटम के दौरान आप कोर को टाइट और अपने बैक को सीधा रख के लाइट वेट के साथ इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 3, डंबल लेटर रेजेस। शोल्डर को वाइडर और 3D शेप देने के लिए इससे शोल्डर का मिडल पार्ट टारगेट होता है। इसमें आप दोनों हाथों में डंबल को लेकर अपने हाथों को साइड की ओर रखते हुए सीधे खड़े हो जाए, फिर डंबल को आप साइड की ओर शोल्डर लेवल तक ऊपर की ओर उठाए और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसमें आप अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड करके रखें और पूरे मोमेंटम के दौरान मिडल शोल्डर मसल पर फोकस बनाए रखें। यह एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है इसलिए आप इसमें लाइटवेट डंबल का ही इस्तेमाल करें। इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 4, बेंटोवर डंबल रिवर्स फ्लाई। इससे रियर डेल्टॉइड और अपर बैक मसल टारगेट होता है। इसमें दोनों हाथों में डंबल को लेकर अपने वीस्ट और नीज को बेंड और बैक को सीधा रखते हुए बेंटोवर पोजीशन में खड़े हो जाए, फिर डंबल को आप तब तक रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में ऊपर की ओर उठाए जब तक कि आपका पूरा हाथ ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए, फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान आप अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड करके रखें और डंबल को जब भी आप ऊपर की ओर लेकर आए तो शोल्डर ब्लेड को एक साथ स्क्वीज जरूर करें। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 5, डंबल श्रक्स। ट्रेपेजियस मसल को टारगेट करने के लिए डंबल श्रक्स एक आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें आप दोनों हाथों में अपने ताकत के हिसाब से डंबल को लेकर सीधे खड़े हो जाए और फिर अपने शोल्डर को जितना हो सके उतना कानों की ओर ऊपर उठाए तो कुछ सेकेंड होल्ड करे और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजिशन में नीचे लेकर आए। इसमें आप मोमेंट को कंट्रोल और अपने शोल्डर को घुमाने से बचे और पूरा फोकस ट्रेपेजियस मसल पर बनाए रखें। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। नंबर 6, स्टैंडिंग डंबल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे शोल्डर मसल में अच्छी पंप के साथ इस रूटीन को फिनिश करने के लिए आप इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें। इसमें आप अपनी थाई पर लाइटवेट डंबल को दोनों हाथों से पकड़ ले, फिर डंबल को अपने सिर के चारों ओर राउंड शेप में ऊपर की ओर घुमाए और फिर कंट्रोल स्पीड के साथ उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। इस एक्सरसाइज के दौरान आप स्पीड को स्मूथ और कंट्रोल बनाए रखें और बिना बॉडी को जर्क मारे इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें।